इस वक्त विधायक जी अनिल वाजपेयी जी जिम के अंदर राउंड लगाते हुए यहाँ की बहुत बड़ी समस्या थी जो कि बताया गया, इस वजह से आए यहाँ पे विधायक जी। पूरे जिम की जो है, जबकि ये दौड़ा लगाते हुए राउंड करते हुए मौजूद है यहाँ पर, लोगों की समस्या सुनेंगे। सर जो आज यहाँ पे समस्या है, किस प्रकार की समस्या है? सर यहाँ की फ्लोरिंग ख़राब है, उसके बाद ट्रेडमिल मशीनें वगैरह ख़राब है सारी। जी जी हाँ जी, जैसे कि आज विधायक जी आपके पास आए हुए हैं, समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, सही करवाएं इसको। हाँ जी, विधायक जी से बात करते हैं। सर जो यहाँ इन्होंने समस्या आज बताया, बहुत से लोग यहाँ पे आए लेकिन वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वो वादा पूरा नहीं होता। सर देखिए, आपका काफ़ी दिनों बाद राउंड लगा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस जिम में यहाँ एक बार जब मैं आया था पहले, यहाँ के लोगों ने ये शिकायत की थी कि यहाँ पर पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। जी जी। और आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ बाहर जो है दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस देकर और मैंने यहाँ नल जो था एक लगवा दिया यहाँ पर। आज मैं आया हूँ, आज यहाँ पर यहाँ की जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी अपनी बात को रखा है, फ्लोरिंग है और मशीनें बहुत सी जो हैं वो टूटी है, उनकी मरम्मत की ज़रूरत है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आज ही मैं जो है डायरेक्टर एक्सपोर्ट्स जो हैं और जो इनके इंचार्ज हैं उनसे बात करके आज ही संज्ञान लूँगा और मैं वादा करता हूं कि मैं इसको। सर लोगों का कहना है जो काम विधायक फंड से होता है वो अभी तक नेता बहुत से आए, सांसद भी अभी तक यहां पर झांकने नहीं आए, वजह क्या है? देखिए मैं अब सांसद जी की तो सांसद जाने, लेकिन मेरे पास जो फंड था मैंने अपने फंड से पार्क में झूले लगवाए और जो इस पार्क का दूसरा जो हिस्सा है वहाँ के लोगों ने कहा कि आपने जिम वगैरह यहाँ लगवा दिए, उधर के लोगों के लिए कोई जिम नहीं है। मैंने उस समय के वाइस चेयरमैन से बात करके और मैंने वहाँ पर जिम जो है वहाँ पर लगवाया और अभी इस पार्क का बड़ा ब्यूटिफिकेशन और होने जा रहा है कि जो इस पार्क का जो दूसरा हिस्सा है उसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन का कोर्ट, इसके लिए बातचीत चल रही है और शीघ्र ही आपके शांति मोहल्ला, कांति नगर और शंकर नगर के लोगों को ये जल्दी बनवा के इसको समर्पित किया जाएगा। और अभी बड़ा काम और भी इसमें होने जा रहा है जिसमें जो फाउंटेन लगा हुआ था उस फाउंटेन का भी उसका स्वरूप बदलवा रहे हैं बिल्कुल, और जो महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति है उसके आसपास का एरिया, उस सारा पूरा का पूरा एरिया उसका ब्यूटिफिकेशन भी होने जा रहा है। मैडम जी आप सुबह आती हैं यहाँ पे, मशीनें किस तरीके से बेकार पड़ी हुई लोगों? हाँ, मशीनें बहुत दिक्कत कर रही हैं। जी जी, ट्रेडमिल भी स्लो चल रही है तो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। जी 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 हाँ, बस ज़्यादा तो ये है कि कोई कंप्लेंट करो जल्दी से सही नहीं होती है। जी जी जी, आपके द्वार पे विधायक जी भी मौजूद हैं इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे? जो कि बस यही कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि जब इकट्ठे होते तो फिर नंबर भी नहीं आ पाता, मशीनें दो खराब पड़ी हैं, ट्रेडमिल दो खराब पड़ी हैं, ये भी स्लो चल रही है, वो भी नहीं काम कर पा रही। आप कहाँ, आप थकी हुई बहुत लग रही, मेहनत करके आ रहे हैं, आप कहाँ से आते हैं? मैं ओल्ड सीलमपुर से। अच्छा, चार नंबर से। देखो कितनी दूर से जो है ओल्ड सीलमपुर से आई हैं, काफ़ी दूर आई हैं इतना राउंड लगाते हुए, और क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बस एक तो थोड़ा पार्क की सफाई का, सबसे गंदी सफाई, आने का भी मन नहीं करता इधर से, बस यही कहना है। सबसे ज़्यादा यही है कि सफाई होनी चाहिए, इस रोड पर तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी।